हेलो गार्डनर्स, आप सबका अपने चैनल माय ब्यूटीफुल रूफटॉप गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हमारा सेंटर गार्डन कितना ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने कुछ वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ करके एक डेकोरेटिव प्लांटर बना सकते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उससे पहले हम अपने गार्डन के कुछ सुंदर सुंदर से फूलों को देख लेते हैं जो गार्डनर को बहुत खुशी देता है जब उसके फ्लावर ब्लूम करते हैं। ये देखिए हमारा वाइट हिबिकस, और ये देखिए हमारे रेड देसी वाले, और ये ऑरेंज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी बड़ा भी है। इसी तरीके से आपको ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, ये वाला हिबिकस, ये भी काफ़ी ब्लूमिंग करता है, और हमारे वो दो हिबिकस भी काफ़ी ब्लूमिंग करते हैं, ये दो प्लांट्स मेरे। और इसमें से तो काफ़ी फ्लावर मैंने पूजा के लिए आज ले भी लिए थे, फिर भी इस पर अभी 4 हिबिकस हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, आपके यहाँ जो कोक के बॉटल्स आते हैं मैंने उससे इसको बनाया है। ये देखिए, पहले कोक के बॉटल को अच्छे से धुल लिया, उसके बाद में मैंने मार्कर से ये डिज़ाइन ड्रॉ की, ये इसकी एयर की, उसके बाद मैंने क्राफ्ट कटर से इसको काटा हुआ है, उसके बाद कैंची से इसके जो एजेस थे उसको क्लीन किया है, उसके बाद इसको प्रेस गरम करके इसके एजेस को, कि कभी मैं प्लांट लगाऊं तो ये कटे नहीं, क्योंकि ये एजेस काफ़ी शार्प होते हैं, तो मैंने इसको प्रेस से, आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए प्रेस से मैंने इसको स्मूथ कर दिया है, ये सारे कोनों को प्रेस गरम करके स्मूथ कर दिया। उसके बाद मैंने इस पर वाइट कलर, जो एनामेल हम दरवाज़ों में लगाते हैं वही कलर यूज़ किया है मैंने, वाइट कलर, उसको मैंने अच्छे से इस पर पेंट करा हुआ है। एक कोट करने के बाद मैंने इसको दूसरा कोट भी किया है। जब दोनों कोट सूख गए तो जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं आई की, नोज़ की, तो ये मैंने मार्कर यूज़ किया हुआ, परमानेंट मार्कर, रेड इसके एयर के लिए और नोज़ के लिए, और ब्लैक मार्कर मैंने इसके आई के लिए। और यहाँ नीचे मुझे ये थोड़ा सादा लग रहा था तो मैंने लिख दिया आई एम अ मियो वो प्लांटर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अगर आप गार्डन में इसको एज अ प्लांटर यूज़ करेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। मैंने ऐसे दो बनाए हैं, ये देखिए, ये देखिए मियाओ प्लांटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैंने एक और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने परमानेंट मार्कर ये वाले यूज़ किए हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। ये देखिए हमारे यहाँ जो प्लास्टिक के डिब्बे ख़राब हो जाते हैं, ये वो है, ये देखिए ये नीचे से चटक गए थे, ये किचन में यूज़ होने वाले डिब्बे थे, ये देख रहे होंगे आप, ये नीचे से चटक गए थे तो ये एयर टाइट नहीं रह गए थे, ये नीचे से आपको क्रैक दिख रहा होगा, तो मैंने इसमें होल कर दिया है। उसके बाद में मैंने इसको भी वाइट एनामेल कलर से ही पेंट किया हुआ है। और ये जो आप बिल्ला देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों का टॉय था, तो उसके पीछे वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, वो म्यूज़िक वाला था। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो बच्चों के खिलौने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो उसका ये ख़राब हो गया था इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन, तो मैंने इसके हाफ़ पार्ट को पेचकस के द्वारा इसको मैंने खोल लिया था, पेच के द्वारा उसको निकाल दिया और इसको इसमें स्टे कर दिया। स्टे करने के लिए मैंने ये देखिए ये एमसील का प्रयोग किया है, ये एमसील लगा के मैंने इसको स्टे कर दिया है, और ये टाई जैसा मैंने इसको बना दिया। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो चलिए दोस्तों, होप है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे क्रिएट किए हैं। ये तीन बिल्ले अपने, दो ये हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब भी अब ऐसे ही अपने टॉयज़ का, बच्चों के टॉयज़ को इस्तेमाल करिए अपने एज अ प्लांटर में, ख़राब टॉयज़ को, ये नहीं आप अच्छे टॉयज़ को, तो बच्चे ही गुस्सा हो जाएंगे। और ऐसे वेस्ट बॉटल्स तो आपके यहाँ आते ही हैं कोक वगैरह के, तो आप उसको ऐसे एज अ प्लांटर यूज़ करते हैं फिर डेकोरेटिव पीस के द्वारा। तो चलिए गार्डनर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गार्डनर्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।